बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने देखा था क्विक असाइनमेंट्स का चैप्टर 2 लार्ज नंबर का। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है बच्चों तो आपको ये वीडियोस देख लो अच्छे से, जिससे कि आपको सेल्फ भी कंसेप्ट है ना, वो सभी कंसेप्ट मैंने आपको करवाया है। और इसके बेसिस पे आपको ये क्विक असाइनमेंट भी दिया था, वो भी मैंने आपको कंप्लीट। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं कि सेल्फ प्रैक्टिस टू ए के डिटेल क्वेश्चन A to Z, राइट। तो कंप्लीट वीडियो देखो, आपको अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस में करवाऊंगा और सभी क्वेश्चन के ईच पार्ट भी करवाऊंगा आपको। ओके, सो कंप्लीट वीडियो देखो तो आपको 2A में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर। अच्छा, ये जो आपको दिया है ना, ये क्या है, वर्ड में दिया हुआ है ना, या आप नंबर नेम कह सकते हैं। बट आपको पूछा क्या जा रहा है कि आप इसे न्यूमरल फॉर्म में लिखिए। न्यूमरल मतलब क्या होता है, डिजिट के फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है 62,07,009। तो 62,07,009 आप इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर। चलिए आप देखिए बी में कह रहे हैं 3,01,75,020। तो 3,01,75,020, तो ऐसे आपको लिखना है, क्लियर। सी में देखिए 19,74,07,100। तो यहां पे लिख दिया मैंने 19,64,07,100। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और फिल भी करना है। डी में आप देखिए 39,25,59,618। तो 39,25,59,618, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ई में कह रहा है 8,80,000, राइट। तो 8 करोड़ है ना बच्चों, 8,88,000 है, तो 88,000 लिख दीजिए बस। बाकी इस तरीके की जो प्रॉब्लम होता है ना बच्चों, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 80 करोड़ है और बीच में कोई डिजिट नहीं, तो वहां पे 0 आ जाता है ना। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। 27,270। तो 27,270, अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है ना, 27 करोड़ लिखिए। 27 करोड़ लिखेंगे तो क्या होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़, राइट। तो 10 करोड़ पे क्या है, 27 है, तो 27 करोड़ होता है। फिर उसके बाद क्या रहा है, 217, तो फिर 217 लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। या फिर अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझ आया कि नहीं। या फिर अलग अलग करके आप ऐड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेस कम की वजह से मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप चाहे तो ऐसे भी करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब सेकंड फॉर्म में देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। तो अभी आपको वर्ड में दिया था और आपसे पूछा जा रहा था कि आप इनको न्यूमरल फॉर्म में लिखिए। अब आप क्या कह रहे हैं कि न्यूमरल फॉर्म में दिया हुआ है, अब इनको वर्ड फॉर्मेट में लिखिए। तो देखिए बच्चों, बहुत ईजी है, क्या है, आप यहाँ पे देखिए, वंस, टेन, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, मतलब 5,57,20,318। ये आपको क्या करना है, वर्ड में लिखना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखो 6,05,60 है, राइट। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, एक एक करके सभी को वर्ड में लिखना है, राइट। मैं बच्चों यहाँ पे लिख रखा हूँ, जिसे कि आप आसानी से इसे देख करके भी लिख सकते हैं, या फिर आपको समझ में तो आ ही गया, आप खुद भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5,57,20,318। तो मैंने यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट में लिख लिया है 5,57,20,318। तो इस तरीके से आप लिखेंगे।
बी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6,05,60,000, तो इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 58,27,007, तो इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट में, राइट। चलिए अब डी में देखिए, डी में क्या दिया हुआ है आपको, डी में आपको है 42,80,66,770, वही वर्ड में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 83,22,049, तो इस तरीके से आप वर्ड में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, ई पार्ट हो गया। अब आप एफ पार्ट में देखिए क्या है, 70,07,60,086, तो इस तरीके से वर्ड में लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए जी में 48,09,85,365, ओके, तो अब इसको वर्ड फॉर्मेट में आप लिख दीजिए। अब आप एच फॉर्म में देखिए कि एच में क्या दे रखा है, 70,02,86,590 दे रखा है, राइट। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको बच्चों वर्ड फॉर्मेट में दे रखा है, सॉरी न्यूमरल फॉर्म में दे रखा है, और आपको वर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो अच्छे से ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशंस, राइट। तो हमें कह रहा है ये जो आपको दिया हुआ है ना ए पार्ट में और बी पार्ट में, तो ये जो हमें एबकस फॉर्मेट में दिया है, तो मैंने आपको अगर स्टैंडर्ड फोर्थ में आपने पढ़ा होगा, राइट, तो वहां पे मैंने डिटेल बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एबकस फॉर्म क्या होता है। ये आपने क्लास फोर्थ में भी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो क्लास फोर्थ की भी बच्चों सीरीज है इस चैनल पे, अगर आप क्लास फोर्थ में आपके भाई है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि क्लास फोर्थ की जो मैथ साइट की प्लेलिस्ट है, आपको न्यू कंपोजिट मैथ्स का है बच्चों, फाउंडेशन मैथ है, तो कंप्लीट मैं वीडियोस करवाता हूँ बच्चों चैप्टर वाइज, एकदम स्टेप बाय स्टेप्स कराता हूँ, तो आप उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो, राइट। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पे, देखो ये एबकस फॉर्म में दे रखा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, राइट। तो करोड़ है, तो कैसे इसको आप लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म में, सेम आपको बी पार्ट में भी दिया हुआ है, राइट। तो इसको आप जो लिखेंगे ना बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या रहा है, 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ है, 1 लाख है ना, और यहाँ पे क्या दे रखे, 2 और 2 5 5 है बच्चों, क्या है, 508 दे रखे। इट मीन्स आप इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 2,01,508 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब आप इसको लिखेंगे तो 4,21,630 आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो एबकस है ना, इसके अंदर जो बबल्स है ना, एक बबल्स 1 के बराबर होता है, राइट। इसी अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो आप ये सोचते होंगे कि सर लिखेंगे कैसे, तो वेट करो बच्चों, मैं आपको ये देखो इस तरीके से क्या करना है, आपको लिखना है, सिंपल सी फॉर्मेट है, मैं आपके लिए लिख रखा हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे चीज़ों को और लिख भी पाएंगे और एग्जाम में आप अच्छे स्कोर भी कर पाओगे। सो हेयर इज दैट कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैंने आपको बताया कि जो एबकस में आपने देखा उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, 2,01,508 आ गया, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लेकिन हमें क्या कह रहा था, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी एक्सपैंड करके, तो 2 करोड़ लिख दिया हमने, 1 लाख लिख दिया हमने, 500 लिखा हमने और 8 लिखा, और सभी को ऐड करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये तो ए पार्ट का था और ये बी पार्ट का है। बी पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, 4,21,06,430 है तो लिख दिया। फिर एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म तो बहुत ईजी है, आपको अच्छे से आता भी है, आपको कई बार आपने किया भी होगा, राइट। तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म करना, एक्सपेंडेड फॉर्म भी 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप जीरोज लगा के कर सकते हैं या फिर उनके टेंथ लगा के भी आप कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपको, अर्जुन स्टार्ट अप कंपनी इज डूइंग वेल एंड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, ठीक है, इट हैज मेज टू टेन्योर वर्थ ₹8,32,06,000, राइट इन न्यूमरल्स फॉर दिस अमाउंट। अच्छा
मतलब कह रहा है कि जो अरुण्स है एक कंपनी का स्टार्टअप करता है अच्छे से, जिसका जो प्राइस है ना बच्चों वो आपको वर्ड फॉर्मेट में दिया होगा, नंबर नेम में दे रखा है, राइट। कह रहे नंबर नेम में है, आप इन्हें क्या कीजिए वर्ड फॉर्मेट में लिखिए, तो बहुत इजी है, राइट। क्या है वर्ड फॉर्मेट, 8,32,06,000 से, तो 8,32,06,000 आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्ड में लिखना है, तो इन नंबर्स फॉर्म में लिखना है आपको 8,32,06,000 आपको इस तरीके से लिख देना है अच्छे से, एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्लियर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, राइट द पीरियड्स फॉर, राइट द पीरियड एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए बी सी डी ई एफ आपके बुक्स में, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू से कलर किया है ना, तो आपको यहाँ पे ब्लैक रेड से कलर होगा आपके बुक में, तो ये आप चेक कर लेना, क्योंकि हमने कलर रेड से लिख दिया इसलिए हमने इसको ब्लू से कलर किया। तो आप यहाँ पे जो ए पार्ट में देख रहे हैं ना कि ये 9 किस प्लेस पे है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पीरियड्स कितने होते हैं, वंस पीरियड होते हैं, उसके बाद क्या होता है बच्चों, 1,000 पीरियड होते हैं, फिर लाख होता है ना, फिर करोड़ होता है, फिर अरब होता है, इस तरीके से इनके पीरियड चलते जाता है। तो वंस पीरियड में 3 नंबर्स होते हैं, उसके बाद 2 पीरियड जो होता है, 1,000 पीरियड्स में 2 होते हैं, तो उसी उसी तरीके से आपको यहाँ पे पीरियड्स लिखने को कह रहा है। और उनके अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको बताऊं, तो देखो बच्चों ये जो वंस पीरियड्स होता है ना, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, देखिए वंस हो गया है ना, 10 हो गया और 100 हो गया, ये वन पीरियड्स में आता है, फिर 1,000 होता है ना, फिर 10,000 होता है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, तो ये जो वंस पीरियड में आ गया, ये आपको क्या हो गया 1,000 पीरियड्स हो गए, और ये लाख होता है, फिर उसके बाद करोड़ होगा, कुछ इस तरीके से चलता चला जाएगा, राइट। तो हमें कह रहा है कि ये किस पीरियड में है वो पहले लिखिए और उसका प्लेस वैल्यू लिखिए। तो अब यहाँ पे देखिए 1,2,2 डिजिट है बच्चों, तो ये वंस प्लेस में ही आएगा, तो हमने वंस लिख दिया, और प्लेस वैल्यू कितना होगा 90 होगा, क्यों, क्योंकि 10 प्लेसेस पे बैठा हुआ है, इस वजह से होगा, है ना। चलिए बी पार्ट में देखिए, ये जगह वंस, ये हो गया 1,000, ये हो गया बच्चों करोड़, सॉरी ये हो गया लाख और ये हो गया करोड़, तो करोड़ में देखो करोड़ पे बैठा हुआ है, तो करोड़ प्लेस लिख दिया हमने, और ये है कितना 59 करोड़ है, राइट 59 है, तो 50 पे है, तो यहाँ पे 50 करोड़ हो जाएगा, राउंड ऑफ अगर हम इसको निकालते हैं ना, तो उस जगह के लिख देंगे 5 लिखेंगे, और जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सी पार्ट में भी सेम है बच्चों, यहाँ पे 7 है, राइट, ये भी करोड़ पे ही है, तो करोड़ हमने प्लेस लिखा है, और 7 लिखने के बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो, आपका प्लेस निकल के आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है ना। चलिए डी पार्ट में देखिए, ये है वंस, ये है 1,000, ये है लाख, लाख पे है तो हमने लाख लिख दिया, ठीक है, और ये 8 लाख है, राइट, तो 8 लाख हमने 8 और उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लिख दिया। सेम 47 में भी आप देख पा रहे होंगे, सॉरी ई में, तो यहाँ पे कह रहे बच्चों 10 लाख प्लेस है, राइट, तो हमने यहाँ सॉरी 1,000 प्लेस पे है ना यहाँ पे, तो 1,000 प्लेस हम लिखेंगे, 1,000 लिख दिया जी, ठीक है। अब ये प्लेस कैसे है, 10,000 प्लेसेस पे है, तो 10,000 लिख दिया बस। अब यहाँ पे देखो 1,000 प्लेस पे ये भी है, तो 4,000 है यहाँ पे, तो हमने 4,000 लिख दिया। तो आपने देखा कि कैसे हमें जो कलर डिजिट दिया था, उस कलर डिजिट को क्या करना है, पहले उनके प्लेस को लिखना है, सॉरी पीरियड को लिखना है कि किस पीरियड में है, वंस पीरियड में है, 1,000 पीरियड में है, या फिर लाख पीरियड में है, या करोड़ में है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग पीरियड लिखेंगे और फिर उनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जो मैंने आपको लिख करके अच्छे से समझा दिए हैं और आपको समझ आ गया होगा, ओके। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहे हैं आपको, राइट द फॉलोइंग नंबर इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या कह रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म, अब तक तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, क्योंकि आप थर्ड क्लास से एक्सपेंडेड करते आ रहे हैं, राइट। बट हेयर इज दैट कि यहाँ पे थोड़ा आपको बढ़ा दिया है, क्योंकि करोड़ के डिजिट आ जाते हैं, क्लास फिफ्थ में हम करोड़ के डिजिट जितने तक लिखने को सीख जाते हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पे बड़ा वैल्यू दे रखा है। प्रोसेस वही है जो आप पीछे करते थे, वही प्रोसेस है, बट हाँ यहाँ पे वैल्यू बड़ा है तो आपको देखने में बड़ा लगता होगा। चलिए फिर भी कोई नहीं, देखते हैं।
ए में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वंस हो गया लैक, थाउजेंड हो गया लैक हो गया, लैक प्लेसेस स्टार्ट है, तो आप वन लिखेंगे पहले और उसके बाद जितने डिजिट है ना उतने जीरो लगा दो, दैट्स इट। फिर आप प्लस लगाओ, फिर अगला डिजिट लिखो और उस अगला डिजिट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो, ठीक है ना। और फिर इस तरीके से, और जीरो का प्ले एक्सपेंडेड फॉर्म था, जीरो ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है एकदम अच्छे से, आप यहाँ से चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, समझ में तो आ गया ना, सेम चीज है। अब बी में देखिए, बी में आपको सेम वही लिखना है, पहले सिक्स लिखना है, जितनी डिजिट है उतने जीरो लिख दो, फिर प्लस लिखो, फिर अगला डिजिट लिखो, फिर उसके बाद जितने डिजिट है वो डिजिट लिखिए, फिर जीरो लिखिए, एंड यही कंटिन्यू आपको करते रहना है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए सी पार्ट में भी बच्चों, सी पार्ट में भी यही पार्ट है। सी में पहले आप एट लिखेंगे, इसके बाद देखो ये डिजिट है तो इतने जीरो हमने लिख दिया, फिर हमने प्लस लिखा, अगला डिजिट लिखा, फिर इसके बाद जितनी डिजिट है वो डिजिट का जीरो लिख दिया हमने, फिर प्लस लिखा, एंड सो ऑन। यही प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको करते रहना है जब तक ये वैल्यूज कंप्लीट ना हो जाए। चलिए ई पार्ट में भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेम है। ई पार्ट में यहाँ पे देखिए, हमने थ्री लिखा, उसके बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लिखा, फिर उसके बाद ऐड कर प्लस लिखा, फिर सिक्स लिखा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस है, आप एक एक करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट। समझ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, क्लियर आ रहा होगा बच्चों, अच्छे से समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बताना, राइट, क्योंकि सेम पार्ट है ना, एक ही पार्ट को बार बार एक्सप्लेन करके टाइम को स्पेंड करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती होता है। तो आप इनको ध्यान से अच्छे से आप करेंगे सॉल्व बच्चों, कंसेप्ट तो यही है, राइट। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए सिक्स में, ई पार्ट में, राइट, सिक्स दे रखा है तो मैंने सिक्स लिखा, राइट, उसके बाद कितने डिजिट है, जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दिया। सेम आप कहेंगे सर यहाँ पे जीरो है, इसके बाद भी इतने बच्चों, जीरो आप लिख के भी क्या करोगे, जीरो तो जीरो ही आएगा ना, इसलिए हमने एक ही जीरो लिखा क्योंकि स्पेस भी ज्यादा ले लेते हैं, राइट। आपको प्रोसेस गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फिर एट लिखेंगे, एट लिख दिया जी, उसके बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से, क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है, अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फॉर फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, तो अभी हमें क्या दिया था, एक नंबर्स दे रखा था, न्यूमेरल फॉर्म में दे रखा था, और हमें कह रहा था कि एक्सपेंडेड फॉर्म करो, तो हमने इसको एक्सपेंड करके दिखाया। अब ये जस्ट इसका रिवर्स पूछ रहा है, हम आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिए हैं और आप हमें इसको क्या कीजिए, नंबर फॉर्म में लिखिए या न्यूमेरल फॉर्म में लिखिए, राइट। तो आपको बहुत ईजी से लिखना है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 40 करोड़ है ना, 5 लाख है, 40 करोड़, यहाँ पे देख रहे हैं 40 करोड़ है, 5 करोड़ है, 20 लैक्स है, 90,000 है, 7,000 है, 600 है, 30 है, 2 है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है ना, तो सभी को आप सेपरेट करके लिख लीजिए और आप इसको ऐड कर दीजिए, फिर भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। या फिर आप डायरेक्ट तीनों को अच्छे से पीरियड समझ में आ गया तो आप यहाँ पे अच्छे से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है, तो आप ऐसे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सभी को जब ऐड किया ना, तो 45 करोड़, राइट, 20 लैक्स, 97,000, उसके बाद क्या आया बच्चों, 632, राइट। आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे होंगे, राइट, चलो यहाँ पे फोल्ड हो रहा है नोटबुक, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ इनको, यहाँ पे बहुत इजी है, आप आसानी से इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। यहाँ देख लो, ये चीजें हैं, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए बी पार्ट में देख लीजिए बच्चों, बी पार्ट में भी सेम है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है, इनको आपको लिखना है, तो 82 करोड़, 35 लैक्स, 83,740, सभी को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, है ना। इसको पहले आप लिखना, फिर उसके बाद ये लिखना, फिर ये, और सबको ऐड कर देना, है ना। एडिंग तो प्रोसेस आता है ना अच्छे से, यस आता है, वेरी गुड। चलिए सी में देखिए, आपको ये दे रखा है, इन सभी को ऐड कर लेना, 90 करोड़, 3 लैक्स, 90,000, 607, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट में लिख लेंगे। इसमें कह रहा है कि 3 करोड़, 40 लैक्स, 28,000, 94, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी,
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं बच्चों। राइट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर्स हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। अच्छा आपको कह रहा है कि ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का नंबर लिखना है। तो 8 डिजिट के नंबर आपको पता है कि 1 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना बच्चों वो 9 होता है, 2 डिजिट का 99, 3 डिजिट का 999, राइट, 4 डिजिट का 9999। तो इसी तरीके से आपको ग्रेटेस्ट 8 डिजिट क्या कह रहा है और लास्ट के 3 डिजिट डिफरेंट भी होना चाहिए। तो देखो आपको तो क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ दो, 987 लिख दिया क्योंकि ग्रेटेस्ट तो लिखना है ना, और उसके बाद जितने 5 डिजिट बचे हैं वो 99 लिख दो। तो 9 हो जाएगा यहाँ पे देखो, वंस थाउजेंड्स लैक्स 9,99,00,000 99,987, राइट। तो ये लिखना है। अब आप कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे हम दूसरा डिजिट भी तो ले सकते हैं क्योंकि 3 डिफरेंट कह रहे हैं, बट ले तो सकते हैं लेकिन वो बच्चों छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 डिजिट लेना है तो हम 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7, इससे छोटा लेंगे तो इससे तो छोटा हो जाएगा ना, बट हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट कह रहा है। तो यही आपको माइंड लगाना है यहाँ पे समझने वाली क्वेश्चंस थी, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ लिखा, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, राइट द सक्सेसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा तो सक्सेसर आपको पता है कि क्या करना होता है, जो भी नंबर दे रखे होते हैं ना बच्चों उसमें हम क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सक्सेसर निकल के आ जाता है कि नहीं। तो सक्सेसर आपको अच्छे से समझ आ गया, इसमें तो बहुत बेसिक है, जैसे आफ्टर बिफोर पढ़ रहे होंगे ना छोटे क्लासेस में, तो वही है यहाँ पे, उसको वर्ड चेंज कर दिया सक्सेसर के फॉर्म में, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, 76 है तो 77 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, 79 है तो 80 आ जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे देखो 9 है तो 10 आ जाएगा और सबको ये बना देगा, तो 81 आप लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप डी में देख पा रहे होंगे क्या है, 999 है तो 1 ऐड कीजिए तो ये भी 0, ये भी 0, ये 3 हो जाएगा, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये बहुत बेसिक था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें बच्चों, राइट द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, बिफोर वाला है ना, बिफोर मतलब 3 से पहले क्या है, तो 3 से पहले तो 2 होता है, यानी 1 माइनस कर दिया हमने, तो जो भी नंबर्स दे रखे हैं लास्ट के उसमें माइनस कर दो आप 1, 3 है तो 3 में 1 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 है, 0 है, 0 है, 0 0 तो सब जगह 0, तो 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना आपको, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, 69 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 69 आ जाएगा। अगर आप 1 यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है बच्चों, क्योंकि इतनी तो होगी नहीं ना, अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 69 आ जाएगा ना, यहाँ पे भी 9 होगा बच्चों, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, इवन ये भी 9 होगा, सब 9 आ जाएगा, ठीक है ना, 699 आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, समझ आया कि नहीं आया, अच्छे से क्लियर हो गया, 69 आ जाएगा और सभी 99 आएगा, जब तो 1 ऐड करेंगे तो 70 करोड़ हो जाएगा, समझ रहे बात को, तो सब में हमने 00 लिख लगा था, 6999 आ जाएगा, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब इनके अगला पार्ट को भी देख लेते हैं जो है आपके सामने। तो देखो अगला पार्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इसी के कुछ और पार्ट भी हैं तो आप इनको देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब सी में देखो कह रहा है ये दिया है, तो आप इसमें 500 में से 1 माइनस करेंगे तो 499 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 करोड़ है, 70 लाख है, राइट, 700 है तो 700 में से 1 लेस कर देंगे तो क्या होगा, 699, तो 99 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 990 है, राइट, लास्ट में तो 989 आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक्स था, आपको समझ आ गया होगा, आसानी से आप कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए अब देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चंस, काउंटिंग बाय द टूज नंबर्स, टूज राइट द नंबर फ्रॉम 60 करोड़, क्या है यहाँ पे 6 लाख है ना, वो देख लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, 60 लाख, 9,892, 6 लाख, 9,908। तो यहाँ तक आपको नंबर लिखना है जिसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, काउंटिंग बाय 2, यानी ये आपका एक पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस है कि 2 हर एक नंबर में प्लस करते चलना है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, देखो पहले तो सेम नंबर ये लिख दिया, फिर इसमें 2 ऐड किए तो ये नंबर आया, फिर इसमें 2 ऐड किए तो ये नंबर आया, फिर इसमें 2 ऐड किए तो ये नंबर आया, जब तक ये नंबर नहीं आ जाए ना तब तक हम 2 ऐड करते चलेंगे। तो देखो फिर हमने 2 ऐड किया तो ये आया, फिर हमने 2 ऐड किया तो ये नंबर आ गया, तो इतना हमें लिखना था, समझ आया कि नहीं।
ठीक है, अब देखो 12 पार्ट में क्या है, यानी 12 क्वेश्चन में क्या है, रे काउंटिंग बाय हंड्रेड्स। अच्छा यहाँ पे 100 ऐड करते चलना है। इससे पहले हमने देखा था 2 ऐड कैसे करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि 100 कैसे ऐड करके हमें चलना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपको, सिंपल सी बात है, 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख, है ना, 16 लाख दे रखा है। तो पहले यहाँ पे 3 है तो एज इट इज हमने लिखा, फिर 3 पे जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा यहाँ पे जो है बच्चों ये क्वेश्चन है ना, 100 वाला पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो 80 करोड़ क्या रहा है, 80,09,809, तो 100 को बढ़ना है, तो यहाँ पे देखो 8 है ना, तो 8 के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 9 हमने बढ़ा दिया ना, तो एज इट इज ये है, फिर हमने इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर 100 में अगर 9 है तो 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा ना 0, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हमने 100 बढ़ाया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, राइट, फिर हमने यहाँ पे 2 लिखा, और यही तक हमें कह रहा था लिखने को, तो हमने 100 करके बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। 13 में कह रहा है कि 1000, सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, बट यहाँ पे 1000 को चेंज करना है, कुछ नहीं, 1000 में आपको बढ़ाते चलना है। तो 1000 प्लेस में यहाँ पे देखो क्या है, 9 है, तो यहाँ पे 9 था, एक बढ़ा दिया तो 70 हो गया, फिर एक बढ़ाएंगे तो 71, फिर बढ़ाएंगे तो 72, फिर बढ़ाएंगे 73, और यही आपको यहाँ तक कह रहा था क्वेश्चंस में लाने को। तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टूज फोर, दो फोर है उसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है और उनका प्रोडक्ट करना है। हमें दे रखा है 34,460 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लिए 34,460। तो देखो इस फोर का प्लेस वैल्यू तो ये निकल के आ जाएगा, और इस फोर का प्लेस वैल्यू ये, तो कह भी रहे ना कि दो फोर है और दोनों फोर का प्लेस वैल्यू निकालिए, और प्लेस वैल्यू निकालने के बाद उनका प्रोडक्ट कीजिए, क्या कीजिए, प्रोडक्ट कीजिए, और क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आपने देख लिया कि दोनों फोर का हमने प्लेस वैल्यू निकाल दिया, इस फोर का भी प्लेस वैल्यू निकाल दिया, और इस फोर का भी प्लेस वैल्यू निकाल दिया, और हमें कह रहा है कि प्रोडक्ट करो, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, 4 लाख है और 400 है, 4 लाख को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 16 करोड़ निकल के आ जाएगा, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है ये बच्चों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है आपको सेल्फ प्रैक्टिस 2A कंप्लीट होता है, राइट। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो जो है बच्चों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे हम लोगों को मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि आप लोगों के लिए और अच्छे से वर्क करने को इंस्पिरेशंस मिलता है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, राइट। चलिए तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।